तो हम जा रहे हैं, अरे मेरा इस कर दू। वो चाइना बॉर्डर का कल बताया कितना मजा आया, सर्दी बहुत थी वहां पे, मैं खड़ा नहीं हो जा रहा वहां पे। हकीम को दिखा, अबे सर्दी के मारे। अच्छा तुमसे नहीं खड़ा हो जा। ओहो, मैं तो हम अभी रुके हैं नाश्ता करने के लिए। हाथ के जैसा देखो, वो भी नाक के चूहे निकाल रहे। साथ तो इतना खतरनाक है, निकालता है और मगज को टच कर रहा होता है यूं उंगलियों से। हम लोगों को यहाँ पे एक चाइनीज कब्रिस्तान दिखाता हूँ। अभी भी फिलहाल ये गिलगित वगैरह ही चल रहा है, तो अभी वो रहा मेरे सामने। अबे इनसे पूछता हूँ, इनकी देख रहे हो नीचे ना, ये छोटी सी प्यारी सी दाढ़ी होती है इनकी, ये देख रहे हो। मैं इनकी इनकी जबान में पूछता हूँ, चाइनीज कब्रिस्तान गिलगित के शपाटर बच्चे, ऐसे जाओगे तुम? अभी तो चला गया अंदर। चाइनीज वगैरह लिखी हुई है इनकी। अच्छा ये वो लोग है जो यहाँ पे काम करने आते हैं और मर जाते हैं, तो इनकी कब्र यही बन जाती है ना। इमरान खान ने सही कहा था, सुकून सिर्फ कब्र में, लेकिन ये वाले ये वाली कब्र में, बाकी हमारी कराची वाली नहीं। अच्छा मैं तुम लोग को सही बताऊं, ये कब्रिस्तान कम पर पार्क ज्यादा लग रहा है। तो एक बात तो हमें अंदाजा हो गया कि चाइनीज जो है ये दफनाते हैं। बस मतलब मोटी क्यों हो रही है? इनका अपना एक रीत और रिवाज होता होगा ना। हमारे यहाँ तो कैसा होता है ना, वो पूरा पैक शेक कर देते हैं और टाइल्स लगा देंगे, ये टाइल्स लगाते हैं। हालांकि हमारे इसमें मना होता है, हमारे यहाँ बस ये होता है कि आपने ये प्लेट लगा दी, खत्म खत्म, बस मट्टी है। यहाँ पे बकायदा पूरा डिजाइन, चाइनीज है ना यार, हर चीज को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पापड़ खिलाओ बच्चा, खुद दे अपने हाथ से। ये प्यार है यहाँ के लोगों का, अच्छे है यहाँ के लोग यार। हवा में जा रहा है। बस जोधी सोच रही है यहाँ पे, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है इस चीज को लेके। तो गाइस ये चितड़पाड़ा का आखिरी ब्लॉग भी हो सकता है, क्योंकि हवा आप सब लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक चल रही है। मेरे पीछे का सीन दिखाओ, 4-5 दिन गुजर गए हमें बस पहाड़ 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 देख के। वो ट्राई कर रहे हैं उधर जाने की, देखते हैं क्या मना है। ये सब कुछ पहाड़ है, लेकिन ये बादल है और मट्टी है जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्कर्दू प्रॉपर, और होटल शोटल भी बुक आ रहे हैं, जैसे कि होटल है ये वाला। तो यहाँ बुरमुंदा बरमांडी हो रही है, वो देख सकते हो हाल क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहे देवसाई बंद है, देवसाई यहाँ पे सबसे खूबसूरत जगह है, कह रहे यहाँ तक बर्फ है। कहाँ तक? यहाँ तक नहीं, नहीं मेरा अगर यहाँ होगा तो तेरा यहाँ होगा। लूटे मकान यार, मतलब कहीं भी आ जाओ ना, हर जगह ही खूबसूरत है। स्कर्दू आए तो स्कर्दू इतना खूबसूरत है, हुंजा गए थे तो हुंजा इतना खूबसूरत है। अब इनके आगे दरख्त भी इतने लंबे लंबे हैं यूं एकदम। तो जी अभी हम आए हुए हैं स्कर्दू की इस मार्केट में। अब हमें मार्केट शार्केट का नाम तो नहीं पता, लेकिन बस घूम रहे हैं। हर जगह जलील कराना तुम हमें यार, स्कर्दू की गलियों में जाके ये हरामखोर छालियां ढूंढ रहे हैं। तोबा। राजे का चपाटर बॉय आपको मिलेगा स्कर्दू में। स्कर्दू में भी चपाटर की दुनिया करते हुए हम तो यहाँ। तभी हम गुजर रहे थे तो भाई ने बिठा लिया अपनी गाड़ी में, ये रहा हमारा होटल। और भाई ये मोहब्बत है इस कर्दू के लोगों की। तो भाई ये हमारा होटल है, और होटल का ये सीन है, ये यहाँ के मैनेजर है। तो अभी इन्होंने बोला है कि तुम्हें कुछ जगहें दिखाते, तो मैंने बोला चलो। इसमें चाय बनाते थे, इसमें चाय बनती थी, नमकीन चाय बनाते थे। सही, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो 2000 साल पहले तकरीबन। अच्छा ये बादशाहों की वो तलवारें हैं इसमें, वो है ये यहाँ की धार है अभी भी। हमारे को तो एक ही धार का पता है, वो जो सूसु वाली धार होती है ना, ये क्या याक है? अच्छा मतलब ये असली है? असली है, जिसका ये सेटअप असली है ना। आप लोगों ने मसाला वगैरह लगाया? नहीं, सफाई की है। अच्छा, खत्म हो गए थे बाल वगैरह। ये सबसे पुराना घर, ये बहुत देखा होगा। हाँ यहाँ पे एक वो लगा होता था चाकू टाइप का कुछ। ये है तराजू लेवल। सही चीज है मिक्सिंग के लिए ना, मतलब मसाला वगैरह ये वो सारी चीजें। और ये देखो इसका साइज चेक करो सिर्फ यार, ये पूरा मार्कोर है। इसकी उम्र इस तरह से गिनी जाती थी ना,
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह साल का होगा यानी कि हाँ। ग्रीन रेड और ये व्हाइट, ये तो एम क्यू एम के झंडे जैसा हो गया पूरा। चार सिंगों वाला, एक दो तीन और ये चार, ये भी नया यहाँ पे। और ये इनकी बेल्ट वगैरह है, बेलचा हो गया ये खोदने के लिए जबरदस्त। ये इनके सारे ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं। इस जगह की सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है, तो सतपारा के बारे में बता रहे, कहते थे कि ये यहाँ के लोकल थे और यहीं घूमते थे। और अभी ये जूता भी दिखाई, ये पहाड़ी वाला है ना, ये हाइकिंग के लिए यूज होता है। कि ये सारी पानी की बॉटल्स है। अच्छा एक चीज दिख रही है मुझे सामने, ये चमकती हुई ये निशाने हैं। और बाकी ये सारे पत्थर हैं, पूरी की पूरी लाट रखी हुई। हमने तो ये इतने नन्ने मुन्ने से देखे हैं ये फ्रोज पत्थर, यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े हैं। अभी हाथ का बना हुआ लग रहा है ना, मारखोर वीट लग रही है। ये तो जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटियां है सारे। अच्छा हम भी बूटी के बड़े शौकीन हैं। यहाँ की फीमेल्स की टोपी है ना, ये फीमेल्स वगैरह पहनती है। इस वक्त हम मौजूद हैं 12 बजे इस करकू के इस मेन रोड पे, और देख रहे हो कितने चौड़े में तुम्हारा भाई फोन लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डकैती नहीं होती। आपको दिखा दूं, 125 आ रही है, टेंशन नहीं है मुझे। देखो मेरी तो बढ़ रही है 125 से। ये देखो मुझे टेंशन ही नहीं है। ये देखो टेंशन ही नहीं है। अभी कोई कराची में होते ना हम लोग तो रिमोक। तो अब मैं सुनाऊंगा आपको इस करदू का म्यूजिक। दरअसल यहाँ पे ना म्यूजिक पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसकी वजह से ये लोग छुप के गाते हैं। ये सुनो, ये आ गया, ये देखो।